नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत होंगे अगले थल सेना प्रमुख। दलबीर सिंह सुहाग का लेंगे स्थान। एयर मार्शल बीएस धनोआ लेंगे वायुसेना अध्यक्ष अरूप राहा की जगह। थल सेना प्रमुख की नियुक्ति पर कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियों ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा 33 साल बाद सेना प्रमुख की नियुक्ति में वरिष्ठता को किया गया नजरअंदाज। बसपा प्रमुख मायावती पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। मायावती के खिलाफ चल रहे 5 पुराने मामलों को दोबारा खोला गया। वित्तीय धांधली और टैक्स चोरी करने जैसे हैं आरोप। मुंबई के प्रेमनगर इलाके में झुग्गियों में लगी आग। दमकल की 8 गाड़ियां कर रही हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। हमले में 3 जवान शहीद, कई घायल। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बॉक्सर विजेंदर ने तंजानिया के फ्रांसिस चेका को तीसरे राउंड में किया नॉकआउट। विजेंदर सिंह ने WBO एशिया पैसिफिक मिडिल वेट का खिताब रखा बरकरार। अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में विजेता रहे हैं विजेंदर। और पाकिस्तान के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों पर लगा बैन हटेगा, हो सकती है दंगल की रिलीज। उरी आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच पाक ने लगाई थी रोक। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।